ओडिया मानकर सहनशीलता बहुत बेसी समय प्रति से सचेतनता अति कम कहले अति आज तो आदम नहीं आज आम जी कार्यक्रम को उपभोग कर जना पड़ी आम समय को बिल्कुल भूली जाए से आई समय आम भूल जावा प्रभु को वाक्य प्रति मनोजोगी शुणा आज बहुत सुंदर दिन सुशील भाई को आम धन्यवाद एवं अभिनंदन ये सुंदर कार्यक्रम कर आप्यायित करछंती एवं आम मन खुशी सतोष आनी आमे भारी भारी धन्यवाद आपण के निकट में एमती तो बड़दिन कार्यक्रम बहुत समय लगे अन्न्य कार्यक्रम को आम जुटी दू कि आज मुझे जो विषय कहबी तार शीर्षक है आनंदर प्रतिध्वनि गोड़ा घाटी के बहुत हाथ उठला गोड़ा घाटी गला बड़े सुंदर पहाड़ पड़े रास्ता घाट अति चमत्कार आजिकल तो बहुत बढ़िया रास्ता ही तार अति पाखरे उच्च उच्च पर्वत से आप ठिया कह प्रभु जीशु सेम कह प्रभु जीशु चलो सात आठ थर ताक कहते प्रतिध्वनि आनंदर प्रतिध्वनि कौन देवे जो आनंद आम करवामें केमी प्रतिध्वनित करवा गोड़ाघाटी जमी शब्दर प्रतिशब्द बाहरी अति चमत्कार भाव आमको शुणा को मिले आम केमी प्रकार प्रतिध्वनि आनंद करवा जे से प्रतिध्वनित हे एवं चारे आम पड़ोसी मानी आम सहर से आम सहर पाखे आम देश में सारा पृथ्वी व्यापीज ये आनंद प्रतिध्वनि भाई मो भाई मैंने भाई भाई मैंने मो पूर्व देश भारत हैदराबाद पूर्व अंचल आम अवस्थित ये भी आम ये कोण से हैदराबाद ये कोण से भी ओडिया मान देखी भारी खुशी लगुच आपण मैंने पाश्चात्य देशर अधिवासी पूर्व देश लोक मैंने मूर्ख मैंने पाश्चात्य लोक मैंने धनी मैंने आम आमको क्षमा करेंगे जदि आम कि मूर्खामी ये देखा ना कि भल न लगे आम क्षमा करें प्रभु वाक्य प्रति आप विशेष मनोजोगी ही शुणे और जहा कि घर को नहीं जापरिवे नहीं जी निज हृदय आइसाक वाट नाम जड़े कवि इंग्रेज कवि से गोटे सुंदर गीत लिखिंट इंग्रज भाषा जय टू द वर्ल्ड बोली कहती पृथ्वी रे आनंद जेहेतु प्रभु आसी लॉर्ड इज कम प्रभु आसी से पृथ्वी रे आनंद व्यापी जापर से कहले पृथ्वी रे एमती आनंद व्यापी गला जे आनंद प्रतिध्वनित होला कौटी प्रकृति भितर पहाड़ पर्वत नदी नाल ये सब जो आनंद मनीष मैंने कले से आनंद को से मैंने प्रतिध्वनित कले सुंदर गीत गोटे लिखे तेरे ये जो आनंद आसला प्रतिध्वनित होगा आनंद कौ मैंने आने मत टे आज ओडिया पढ़ा सा ठीक अच्छे कई जन जदि ये भी बस में माइक धरिकी बहुत भल हम गोटे माइक मिलो ये बस कि मो पाखे ओडिया जेहे ओडिया बैबल आप पढ़े वेरी गुड आम वैज्ञानिक बाबू आसे बैबल पढ़ापे प्रथम तो आप पढ़ी दिखु गीत संहिता 98 अध्याय तार चारिपद
गीत संहिता 98 ତା 4 ପଦ गीत संहिता 98 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ଉପରେ ଲେଖା ଯାଇଛି समुदाय पृथ्वी सदा प्रभु उद्देश्य आनंद ध्वनि कर उच्च ध्वनि कर और आनंद गान कर और प्रशंसा गान कर धन्यवाद प्रार्थना करिबा प्रभु तुमको धन्यवाद दोछु जे आम मध्य मनीष आम मान को उद्धार करने तुम्हें जन्म ग्रहण कल आज प्रभु से आम आनंद करें आनंदर रोल उठाऊ जमीती आनंद प्रभु ये पृथ्वी प्रतिध्वनित हम सापा तुम वाक्य कहबारे एवं शुणवे तुम पवित्र आत्मा को सहायता दि जीशु नाम मागुचु आम जड़े धनी युवक विदेश रोते बड़दिन से घर को आसी पारे से माँ को जे एकुटिया रोते गोटे सुंदर बड़दिन उपहार पठवा चाहिए आपण मैंने भी चिंता करहार बड़दिन पा देवाई माँ को देवाई बापा को देवाई आजिकल तो पुओ झी बड़े माँ बापा को भूली जाऊ कि गाँव मानक जो बापा मैंने रहते जो चार्ट पु अच्छे से अपेक्षार रही था पु गोटे धोती मत कि अपेक्षा अपेक्षा ही बीति जाए बड़दिन सरी जाए नुआ बर्ष सरी जाए धोती पाखे पहुँची पारे ये पु कि मन पकला माँ एक रोते भारत में विदेश रोकवा धनी युवक माँ को मन पकड़ा मु तो जापारे बड़दिन माँ को गोटे सुंदर उपहार पठेबी से चिंता कला माँ को मैंने सब अच्छी गाड़ी अच्छी बंगला अच्छी चाकर चाकराणी अच्छा खाइबा कुछ अभाव नहीं से पु भाला मुझे कौन पठेबी माँ को भाभी 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 गोटे मईना पक्षी किणा ता विषय मुझे कह मईना पक्षी गीत गाईपे ये मईना पक्षी को पुओटा गोटे जाजक को डाकिले पुरोहित को डाकिले पास्टर को डाकिले कहले ये मईना पक्षी को जहन की षोल शिखे दिखे ये मईना पक्षी को लुक दुई अध्यार एगार पद शिखे दिखु ये मईना पक्षी को जेसाय भविष्य वक्ता नौ अध्याय छ पद शिखे दिखु ये मईना पक्षी को आदि पुस्तक तीन अध्याय पंद्रह पद सब गुड़ाक क्रिसमस उपलक्षे क्रिसमस को नहीं ये पद पर्व पद सब सी शिखेदे सुंदर बड़दिन गीत सब तक शिखे दिगला मईना पक्षी को पु गोटे सुनार पिंजर भी रखिले तापरे विदेश घर पठाईदे बड़दिन ठीक गोटे दिन आगर का पहुँचीगला माँ प्रति अति सही अति खुशी सहित से खोलें देखिले पक्षीटे अच्छे तापरे सुना पिंजरा माँ का नजर ध्वनि लोक मान नजर तो सुना उपरे पड़े ना माँ का नजर सुना उपरे पड़ा तापर से सुंदर पक्षीटा को सुंदर पिंजराटा ना रखीदे पक्षीटा को सीए जहाँ कले आम शुणा बड़दिन पर पुंकर टेलीफोन आसला अति उत्साह पु पचारे माँ तुमको पक्षीटा केमती लगला माँ कहले पुरे पक्षीटा भारी स्वादिष्ट बहुत सुंदर आम जिते बे क्रिसमस खाइबापे तैयारी कलु बड़दिन पक्षी ही तार गोटे मेन डिश थिला मत बहुत भल लगला भारी स्वादिष्ट कथा है पक्षी सहित जो चिठी माँ पठे पिंजरार पछना कर सी माँ ता पढ़वा सुजोग पाइले पढ़ी पारे से जापारे जे पक्षी क्रिसमस बड़दिन उपलक्षे गीत गाईपर आ बड़दिन सुंदर सुनापद सब से कहीदेव एक कथा से जापारे रोषे कर बड़दिन डिनर से खाईदे पुंकर उपहार को माँ आदौ बुझीपारे प्रिय बंधुगण
2000 वर्ष तले प्रभु आम मान मानव जाति गोटे सुंदर बहुमूल्य उपहार पठेले से निज लोक मान पाखक आसिले निज लोक मैंने अग्राह्य कले निज लोक मैंने चिन्हवा चाहिए निज लोक मैंने ग्रहण कले ना से पड़ोशी मान पाख गले पड़ोशी मैंने गोटे धर्म मतरे परिणत करदे जगत आद जापरलानी परिचय आद से बुझीपरलानी आबुझा अवस्था आज भी ईश्वर बहुमूल्य उपहार कौ गोटे कोण में पड़ रही से आज कह दूत मैंने कौन कले दूत मैंने आसले जितेबड़े जीशुख्रीस्तर ईश्वर एकमात्र पुत्र जन्म है आम मान मणिषे आम देखु दूत मैंने स्वर्ग छाड़ी ओल्ल आसले जीवती पर जिते बड़े गोटे गोटे छुआ जन्म होता जदि से मेल चाइल्ड जदि छुआ पुरुष पा आगे सरल पुओपिल जदि झीवी पर पुओ पा ही तेज गृहर पिता गृहर जे मुख्य लोक सीए संगीतज्ञ मानूर नाच कर लोक मान से डाकबे आ घर चारिपटे से बुले बुले गाँव रारिपटे बुले बुले से पुत्र सतान आगमन विषय जन्म विषय सारा पड़ोशी पड़ोशी मान पड़ोशी पड़ोशी मान जनईदे से जोबले प्रभु निजे पुत्र को पठेले ये पृथ्वी को सीता दूत मान आदेश जा मोर पुत्र विषय जगत शुणी दि घोषणा कर दिए पुत्र मोर जन्मग्रहण कर पापी मान मनीष मान उधार एकम्र उधार करता एक जन दिजे मो पुत्र प्रेम नहीं शांति नहीं बरदान नहीं बेथलेहम जन्मग्रहण कर स्वर्गदूत मैंने गाइवा को आरंभ कले पुत्र जन्म आनंद ध्वनि कले कह बाइबल सारा बाइबल स्वर्गदूत मान गीत गाइवा अति कम आम देखा पाच मनुष्य सन्तान मानी तो कभी देखी ना लाख गीत गाइबार यहाँ जिते बड़े प्रथम थर जिते बड़े स्वर्गदूत मैंने गीत गाइले आयुब पुस्तक पढ़ीदे 38 अध्याय जिते बड़े प्रथम सर्वप्रथम थर पर स्वर्गदूत मैंने गीत गाई 38 अध्याय 4-7 पद टे पढ़ीदे आयुब 38:4-7 जिते बड़े आम्भे पृथ्वीर भित्तिमूल स्थापन कलु ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ କେଉଁଠାରେ ଥିଲ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ବୁଝାଇ ଦିଅ ତୁମ୍ଭେ କି ଜାଣ କିଏ ତହିଁର ପରିମାଣ ନିରୂପଣ କଲା ଅବା କିଏ ତହିଁ ଉପରେ ପରିମାପକ ରଜ୍ଜୁ ପ୍ରସାରିଲା କାହା ଉପରେ ତହିଁର ଭିତ୍ତିମୂଳ ଦୃଢ଼ୀକୃତ ହେଲା ଅବା ପ୍ରଭାତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ରଗଣ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଗାନ କରିବା ବେଳେ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ ଆନନ୍ଦରେ ଜୟଧ୍ୱନି କରିବା ବେଳେ କିଏ ତହିଁର କୋଣ ପ୍ରସ୍ତର ବସାଇଲା ନକ୍ଷତ୍ରଗଣ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଗାନ କରିବା ବେଳେ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଗାନ କରିବା ସମୟରେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ ଆନନ୍ଦରେ ଜୟଧ୍ୱନି କରିବା ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ଆନନ୍ଦରେ ଜୟଧ୍ୱନି କରିବା ସମୟରେ କିଏ ତହିଁର କୋଣ ପ୍ରସ୍ତର ବସାଇଲା ପୃଥିବୀର କୋଣ ପ୍ରସ୍ତର ବସିବା ସମୟରେ ଦୂତମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗାନ କରିଥିବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦୂତମାନେ ଗାଇପାରନ୍ତି ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଦୂତ ମାନେ ଗାଇପାରନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ବୁନିଆଦ ପ୍ରଭୁ ବସେଇଲେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କଲେ
गीत गान कले ईश्वर चमत्कार सृष्टि देखे से मैंने रही पारे निजर 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 से स्वर उठेले ईश्वर उद्देश्य स्तुति गान कले लेखा अच्छे जे जिते बड़े ईश्वर दूत मैंने गीत गाते से लुसीफर जहाँ को आज आम सैतान बोली कौच लुसीफर से समय ईश्वर दूत मान संगीत दल को नेतृत्व दौले सुंदर लुसीफर अर्थ हूँ आलो द लाइट बहुत सुंदर देखा एमती सृष्टि करते चेहर गोटे चमक सृष्टि होता लुसीफर गाइवा को ठिया हेले हजार हजार दूत मैंने स्वर को प्रतिध्वनित करते स्वर मिले स्वर गाते आज दूत विषय लिखा अच्छे इजिकियल 28 अध्याय 13 पद जी जी 28 अध्याय 13 पद लिखाई तुम्हें परमेश्वर उद्यान उद्यान एदन चुणी पीतमणि और हीरक वैदुर्यमणि गोमेदक और सूर्यकांत नीलकांत पद्मराग और मरकत आदि जावतियों बहुमूल्य प्रस्तर और सुवर्ण तुम्भर आच्छादन थिला तुम्हार तबल और वंशीर शिल्प कार्य तुम्भ मध्य तुम्हें सृष्टि हेबा दिन जो दिन सृष्टि लुसीफर को प्रभु कहते तुम्हें जो दिन सृष्टि से दिन से सब तबला एवं बीणा सृष्टि तबला जो बजाऊ बजाऊ ना जो बीणा बजाऊ सुंदर स्वर बाहर सृष्टि जो दिन लुसीफर को प्रभु सृष्टि कले से दिन तबला एवं बीणा को भी सृष्टि कले जमती ये संगीतज्ञ हे ईश्वर संगीत दल को नेतृत्व देवे ईश्वर उपासना दल को नेतृत्व देवे किए लुसीफर इते बड़ पदवी पाइले लुसीफर स्वर्ग को दोहल दौले स्वर्गर ध्वनि चार प्रतिध्वनित होता सी जो गीत गाइबे ईश्वर प्रशंसा सारा विश्व झुमि उठुला किंतु जिसा 14 अध्याय कौन था जिसा 14 अध्याय 11-14 तुम्भर नेबल जंत्र स्वर पाताल पर्यंत अवरोहित होट तुम्भ ते प्रसारित बिछणा अरे वाह की कथा ही गला तुम्हार स्वर तुम्हार नेबल स्वर अवरोहित होगा पाताल सब नष्ट जो दिन उपासना करी उपासक उपासना पाइबा को इच्छा कला जो दिन उपासक मन में उपासना पाइबार इच्छा सृष्टि है से दिन से पतन है बीणा पतन है स्वर पतन है सब नष्ट संगीत मटी में मिशिगला से दिन ठू आम आूत मान गीत गाइबा आईपारे कौ गीत गाइब मनीष संतान पूरा नष्ट मनीष जाति पूरा नष्टा से मानकर परित्राणर आर से मार्ग नाला से दूत मैंने कौटिप गीत गाई था आयुगं पुस्तक पर सृष्टिर आरंभ पर आम कौन ठारे देखा पाऊन जे दूत मैंने आगे गीत गाई जोबले प्रभुशु जन्म हेले से दिन आम शुणा पाच दूत मैंने आसिले लोक अध्याय भाई आगर भी पढ़ी से कथा लोक अध्याय 2:13-14 पद स्वर्गीय दूत मैंने आसिले स्वर्गीय दूत मान गोटे बृहत दल बृहत मान के जन आम कही पार नहीं 4, 5, 6, 7, 10,000 केते जन आसिले स्वर्गदूत मान एक बृहत दल
ପୁଣି ଅକସ୍ମାତ୍ ସେହି ଦୂତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାହିନୀର ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଦଳ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତବଗାନ କରୁ କରୁ କହିଲେ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା, ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି। କାହା ସାମ୍ନାରେ ମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି ଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତମାନଙ୍କର ବୃହତ୍ ଦଳ? କେଉଁଠିକି ଆସିଲେ? ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଇ ମେଷପାଳକ ମାନେ ଯେଉଁ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେଇ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଚରଉଥିଲେ, ସେଇ ମେଷମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଢ଼ଉଥିଲେ ଯେ ନିଖୁନ୍ତ ହେବେ ସେମାନେ। କୌଣସି ଯାହାର ଯାହାର ବଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଥିବ, ଦେହରେ ଚିହ୍ନ ଥିବ, ସେଇ ମେଷକୁ କେବେ ହେଲେ ମନ୍ଦିରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଅତି ଯତ୍ନରେ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମେଷପାଳକ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆରାଧନା କରିବାର, ଉପାସନା କରିବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନେ ଆସିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆବାଣ୍ଡନ୍ଡ କମ୍ୟୁନିଟି, ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଯେଉଁ 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 ଲୋକ ସମାଜକୁ ସମାଜ ବହିଷ୍କୃତ କରିଛି, ସେଇ ସମାଜ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ଦେଖୁଛ ମୁଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ତୁମେ ଆଉ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇ ରହିବନି, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ହବ, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିବ। ଯେଉଁ ମହିମା ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, ସେଇ ଶେଖେନେ ଗ୍ଲୋରି, ସେଇ ଅଲୌକିକ ମହିମା ଦୂତମାନଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ଦେଖିଲେ, ଦୂତମାନଙ୍କର ଗୀତ ଗାୟକ ଶୁଣିଲେ। ସେଦିନ ହେରୋଦଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନଥିଲା, ପ୍ରଧାନ ଯାଜକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନଥିଲା, ସାଧକୀ ଫାରିସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନଥିଲା, କିମ୍ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ବହିଷ୍କୃତ ସମାଜଚ୍ୟୁତ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବା ଶୁଣିଲେ, କେମିତି ଭାଗ୍ୟର କଥା! ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତୁମେ ବହିଷ୍କୃତ କରିଦିଅ, ସମାଜ ମୋତେ ଚ୍ୟୁତ କରିଦିଅ, ଯଦି ମୁଁ ତୁମର ମହିମା ଦେଖିବି। ହଜାର ଥର ମୁଁ ସମାଜରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେବି, ସମାଜ ଚ୍ୟୁତ ହେବି, ସମାଜରୁ ଅପହରଣ ହେବି, କିଛି ଯାଇ ଆସିନି ମୋର, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିପାରିବି, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣିପାରିବି, ବହିଷ୍କୃତ ହେଲେ ଯାଇ କେତେ ଆସେ କେତେ ମୋର। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନେ ଆସିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବହିଷ୍କୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସମାଜଚ୍ୟୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଗୃହୀତ ହେବାର, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାର ଏକ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ମିଳିଲା ସେମାନଙ୍କୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନେ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜଚ୍ୟୁତ ସମାଜରେ ଦଳିତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତବଗାନ କଲେ, ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଦୁଇ ନୁହେଁ, ସ୍ୱର୍ଗର ଏକ ବୃହତ୍ ଦଳ ଆସିଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତବଗାନ କଲେ। ତୃତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତମାନେ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଆମେ ଯିବା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 5 ତାର 8-9 ପଦ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 5:8-9 ପଦ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 5:8-9 ସେ ପୁସ୍ତକ ନିଅନ୍ତେ ସେହି 4 ପ୍ରାଣୀ ଓ 24 ପ୍ରାଚୀନ ମେଷଶାବକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପୁଡ଼ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକର ହସ୍ତରେ ବୀଣା ଓ ସାଧୁମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଧୂପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଥିଲା। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କରିବାରେ ତୁମେ ସେହି ପୁସ୍ତକ ନେବାକୁ ଓ ସେଥିର ମୁଦ୍ରା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ, କାରଣ ତୁମେ ହତ ହୋଇଥିଲ, ପୁଣି ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାଷାବାଦୀ ବଂଶ ଓ ଜାତି ମଧ୍ୟରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ରୟ କରିଅଛ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି, କିଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି,
प्रभु जीशु जे एथिपई हत होईछंती याको आधार करी समारे गोटे नूतन गीत रचना कले एवं नूतन गीत गाइले स्वर्गदूत माने तृतीय थर पई ए गीत किंतु दर्शन रे देखुछंती जोहन गीत गाइबार समय पुणी बाकी अछि दर्शन देखिले हजार हजार अविश्वासी विश्वासनी माने ईश्वर को सिंहासन सम्मुख रे ठिया हे से माने एक नूतन गीत गान करछंती कि भाग्य से मान कर एई कथा घटिबो आमे समस्ते जेते प्रभु को निकट रे कृत होइछु प्रभु मन कर मते हत होइछु बर आमे ताको ग्रहण करी ईश्वर को लोक होइछु आमे गोटे दिन ईश्वर को सिंहासन समोरे ठिया हबा और एक नूतन गीत गाइबा दूत मान को सांगरे प्रथम एवं द्वितीय थरो केवल दूत माने गीत गाइबे किंतु तृतीय थरो जते बेले दूत माने गीत गाइबे दूत माने वाद्यबंत वाद्य यंत्र बजाइबे सेते बेले समग्र विश्ववासी जो माने प्रभु पर विश्वास करछन्ति से माने भी दूत मान को सांगरे मिसि गीत गाइबे दिलीप मिठिया रहिबे से ताको गाइबा आसो न आसो से ठिया है ताको संगरे गीत गाइबे दूत मानक संगरे को गीत गाइबे ना प्रभु को हत हेबारु आमे समस्ते मुक्ति प्राप्त होइछु से गीत गाइबार समय अछि प्रिय बंधुगण आज जदि आमे प्रभु जीशुंकर जन्म कुने उत्सव मनाउछु आनंद मनाउछु गोटे दिन आसब जो दिन रे आमे समस्ते गीत गाइबा संगीतर प्रतिध्वनि हेब एवं आमान करी मते जीव प्रभु हत होइतले तांको आमे दर्शन करिबा एवं तांको सहित आमे चिरकाल रहबा जेतेबेले दूत माने सुंदर एक श्रुति मधुर सुसंवाद सुसमाचार नेकि आसले सुसमाचार सुनले केही कौन भय करे मुझे जदि कहि गोटे छुआ जन्म होती आम घर कई क्या भय कर कितु मरियम डरीगल कहले मुझे ये सुसमाचार को कमी ग्रहण करी जोसेफ टेनसन पड़गल कहले यहाँ अग्रहणीय विषय मुझे स्वीकार करेरद पड़ी चिंतित आउ गोटे कौट पड़े आसे जीवदी मान राजा शास्त्री एवं फारसी माने एक बार उद्विग्न हेले लोक माने डरिले कई आनंद करनुले कि मरियम ए सुसमाचार पाइबा परे एलिजाबेथ ताको कासन ताकर कासन को ताकर भौणी काका काका झी भौणी जहाँ कहवा ना मौसी झी भौणी ताको भौणी पाखे गले मरियम से लिखा अच्छी जे एलिजाबेथ पवित्र आत्मा थारे पूर्ण हुई से आनंद कले आनंद करने पिठार आवश्यक ना आनंद करने नुआ ड्रेस आवश्यक ना आनंद करने सुना गहना दरकार ना प्रकृत आनंद ये सब तो घरे सुना गहना थी पिठा थी सब थी ये आनंद कर पारे जोसेफ मरियम एवं हेरोद आनंद कमी कराए पवित्र आत्मा पूर्ण हम हालेलुया आनंद करने को चाहो भाई भाई मैंने पवित्र आत्मा घर पूर्ण हाँ पड़ो आते पूर्ण हम एवं सुसमाचार आज कान में बाजब आम कहीं पेटर या पा भी आनंद नाच उठ पेट भितर गर्भस्थ शिशु आनंद नाच उठा जो एलिजाबेथ शुणिले मरियम आसी नमस्कार करमस्कार शुणा सांगे सांगे पेट भितर पा नाची उठला कौटिपाई एलिजाबेथ पवित्र आत्मा पूर्ण बाप्तिजक जोहन भी पवित्र आत्मा शिशु आज ये गला बेले प्रिय भाई भाई मैंने सुना आमको आनंदित न करू नाच गीत आमको आनंदित न करू पवित्र आत्मा आमको आनंदित करूँ आम एमती आनंद करवा जे आम आनंद प्रतिध्वनित हम आम सब सब सहर ए देश पृथ्वी आनंद आनंदित हम से कहले मु तुम को अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार जनाऊ
सुसमाचार शुणा संगे संगे ये मैंने कौन कले मेषपाल मैंने दौड़ी गले आम तो लगुच चार पांच घंटे लग जाए आसपे दौड़ी गले शिष्य को देखा पर चारे सुसमाचार प्रचार कले ये आनंद आम मध्य सीमित रहा आनंद नुह ये आनंद ख्रिस्टियन मानक नुहे ये आनंद आम पर नुहे ये आनंद आम मंडली नुहे आनंद समस्त पाखे आम बांटा दरकार आनंद बांटा एवं आनंद को प्रतिध्वंत करवा प्रभु आम को आशीर्वाद दिखा आप पेट भितर प्रजापति नाचु भोग हो शेष को देवी प्रार्थना करवा प्रभु तुमको आउ थ धन्यवाद दूचु तुम्हें मान अति प्रिय प्रभु आम लगी तुम्हें आम भल आम भि दुख भोगिल आम भि कदिल आम भि प्रभु तुम्हें जीवन जापन कल आमको शिखेदल मनीष कि जीवन जापन करवा उचित प्रभु साहय कर आनंद आम उद्वेलित हो प्रभु जीवन आनंद को प्रतिध्वनित कर आम मान प्रभु तुम्हारी आगमन प्रस्तुत कर प्रिय जीशु नाम समस्त प्रार्थना मांगुछ।